जब तक हमारे पास आखिरी गोली और आखिरी फौजी है, एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारत में इस बार ऐसा गणतंत्र दिवस हुआ जब जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा फहराया गया। इसी कश्मीर पर कब्जा करने आए पाकिस्तानी सेना और कबाड़ियों से भारत माता के जिस वीर सपूत ने लोहा लिया था, वह थे परमवीर मेजर सोमनाथ, देश के पहले परमवीर चक्र विजेता। ऐसे वीर जिनकी रग रग में बहादुरी थी, जिसने अपने आखिरी संदेश में कहा था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हमारी तादाद न के बराबर है, हम जबरदस्त गोलाबारी से घिरे हुए हैं, मगर एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक हमारे पास आखिरी गोली और आखिरी फौजी है। उस वक्त उनकी उम्र केवल 24 वर्ष थी। दोस्तों, केवल 24 वर्ष। भारत के उन लोगों को आज इस वीर से सीखने की जरूरत है जिसने भारत के सम्मान व स्वाभिमान के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। आज ही के दिन वर्ष 1923 में देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के छोटे से गाँव डाड़ के एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा नैनीताल में और देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में उच्च शिक्षा हुई थी। 22 फरवरी वर्ष 1942 को कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन मिला। उन्होंने 1947 में पाकिस्तान से हुई जंग में हाथ में फ्रैक्चर के बाद भी हिस्सा लिया। सैन्य पृष्ठभूमि और विरासत में मिली वीरता के गुण ही थे कि दुश्मन देश कश्मीर को नहीं ले पाया। मलाल केवल इतना ही कि मेजर शर्मा के घर डाड़ में सरकार आज तक उनका स्मारक नहीं बना पाई। और दोस्तों, ये तो भारत के हर एक वीर की कहानी है जिसने भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इतिहासकारों ने कभी भी ऐसे वीरों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। 26 अक्टूबर 1947 को जब मेजर सोमनाथ की कंपनी को कश्मीर आने का आदेश मिला तो उनके बाएं हाथ की हड्डी टूटी थी, बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वह कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। साथियों ने रोकने की कोशिश की तो जवाब मिला, सैन्य परंपरा के अनुसार जब सिपाही युद्ध में जाता है तो अधिकारी पीछे नहीं रहते। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बदगाम मोर्चे पर जाने का हुक्म मिला। उधर कबालियों की हजारों की संख्या कत्लेआम करते हुए बारामूला तक पहुंच गई थी। उनको लगा कि रास्ता साफ है, तभी उन्हें पता चला कि भारतीय सेना श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली है। यह खबर उनको परेशान करने वाली थी। वह भारतीय सेना को रोकना चाहते थे, इसीलिए वह तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ गए। शायद उन्हें पता नहीं था, बड़गाम में एक पोस्ट पर सोमनाथ अपने साथियों के साथ तैनात थे। उन्हें दुश्मन के द्वारा औचक हमला होने की स्थिति में हमलावर को आगे बढ़ने से रोकना था। दोपहर तक दुश्मन की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो सोमनाथ की टीम को लगा कि दुश्मन ने शायद अपना प्लान बदल दिया है। वह इससे ज्यादा कुछ और सोचते इससे पहले ही एक बड़ी संख्या में कबालियों ने उनकी पोस्ट पर तीनों तरफ से हमला कर दिया। दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा थे, उन्हें रोकना आसान नहीं था। बावजूद इसके सोमनाथ ने अपने साथियों में जोश भरते हुए कहा कि हमें सेना से मदद आने तक इनको किसी भी कीमत पर रोकना होगा। मेजर सोमनाथ ने लगातार 6 घंटे तक सैनिकों को लड़ने के लिए उत्साहित किया और नतीजा अपने हक में किया। इसी दौरान दुश्मन का गोला मेजर सोमनाथ शर्मा के पास रखे गोला बारूद के ढेर में गिर गया और इस महान योद्धा ने सदा के लिए भारत माता की गोद में शरण ले ली। आज कश्मीर के उस नायक को उनकी जन्म जयंती पर याद करने का दिन है। दोस्तों, हम आज के मॉडर्न हिंदू हैं और मैं स्टोरीज ऑफ इंडियन को लेकर आपके पास आता हूँ, बस इसी उम्मीद में कि हर भारतीय के मन में उस गौरवशाली इतिहास को जगा सकूँ जिससे आने वाली पीढ़ी बेहतर से बेहतरीन हो सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल द मॉडर्न हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।